हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अभिषेक व्यूनर्स ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने बनारस के सनातन धर्म स्कूल के अंदर। और मैं बता दूं कि इसके अंदर नागपंचमी के दिन ऐसा गेम खेला जाता है जो कि तंत्र मंत्र विद्याओं का होता है। ये तो बहुत सारे शहरों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति, जो अपनी पुरानी कल्चर और पुरानी सिटी काशी के अंदर ये मनाया जाता है। और ऐसा अद्भुत नज़ारा खेल केवल अपने बनारस काशी में ही देखने को मिलता है। तो अगर वो चीज़ आपको देखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और कैसा तंत्र मंत्र का ये गेम होता है, और जिसको कहते हैं मऊर, तो ये मऊर गेम होता है। स्पेशली ये नागपंचमी के लिए होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए हम लोग चलते हैं। पीछे बैक साइड देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। तो यहीं वो गेम चालू हो रहा है। इसमें होता है क्या कि मंत्र की विद्या के द्वारा एक दूसरे पर लोग प्रहार करते हैं, और जो सपेरन होते हैं वही आपस में दोनों लड़ते हैं। तो तंत्र विद्या के हिसाब से वो लड़ते हैं। तो हम लोग वहाँ पर लोग आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो गेम था वो एक्चुअली चालू हो चुका है। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो सपेरा है एक्चुअली वो, तो यहाँ जो भी तंत्र मंत्र का जो भी गेम होता है तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। स्पेशली बड़े बनारस में होता है साल में एक ही दिन, नागपंचमी वाले दिन। तो आज आपको देखना पड़ेगा ये कैसे क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। आप इस चीज़ को पूजा करने के लिए, मतलब गेम खेलने के लिए, कोई भी जो जिस साधना लोग करते हैं वो करते हैं ये लोग। और स्टेट में अगर मैं जूमिंग कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले पूजा वूजा किया जाता है। स्टेट में देखेंगे आप अगरबत्ती, उसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ रखे, नींबू वीबू रखा गया है, जिसके वजह से इसको जागृत करते हैं। उसके बाद ये लोग खेलते हैं। तो इसका जो मंत्र का प्रभाव होता है, कहते हैं लोग ऐसा, कि एक दूसरे पर नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो जो लोग खेल रहे हैं, देखिए गाइस, ये गिर गए यहाँ पर। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। एक्चुअली उनको जो मंत्र का जो सेकंड पर्सन ने मारा है वो एक्चुअली उनको लग चुका है, तो इसलिए वो गिर गए हैं। तो हम लोग आगे से चल के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये अपने काशी में महादेव का अगर नारा ना लगे तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हर कदम पे, हर मिनट पे आपको ये जयकारा सुनने को मिलेगा। और साथ में देखिए ये कैसे चल हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आपको देखने को मिलेगा ये मऊर गेम। तो एक बार चांस फ्रेंड्स उनको मिल रहा है, एक चांस इनको मिल रहा है। तो अब ये मारने जा रहे हैं। वहाँ से देखें, ये मिट्टी का छोटा सा जो कड़ होता है वो एक्चुअली उठाते हैं, और मंत्र जाप करने के बाद ये मारते हैं। अब देखते हैं, अब ये सेकंड प्लेयर है यहाँ पर, एक्चुअली ये हट गए हैं। और ये जो बाबा सामने आप देख रहे हैं इनको, अब ये खेलने जा रहे हैं इनके साथ, जो ये आपको सपेरे हैं, भाई साहब हैं ये, अब इनके साथ ये खेल रहे हैं। तो इसमें जागृत करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर लोग को नहीं लग आता है, उसके लिए बहुत सिद्धि उद्धि करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से ये मंत्र चलता है, तो इसका भी जाप किया जाता है। तो ये लोग कर रहे हैं, और जो वो भाई साहब बैठे हुए हैं अब वो जागृत कर रहे हैं, और फिर वो भी अपने मंत्र से इन पर अटैक करेंगे वो। तो यही सब गेम एक्चुअली चलता रहता है। अब क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है, मैं एक्चुअली मुझे नहीं पता। तो मैं हर साल से देखते आ रहा हूँ, तो सोचा क्यों नहीं इस बार वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। स्पेशली ये नागपंचमी के दिन ही होता है, और इस गेम का नाम है मऊर गेम। अब होगी पहलवानी, होगी पहलवानी, होगी पहलवानी, होगी।
गाइस यहाँ पे अड़बंगी टाइप का काम होता है, तो ऐसा गेम ही एक्चुअली है, तो इसलिए देख के आप भी ऐसे भ्रमित ना हो। तो एक्चुअली ये कुछ इस टाइप का देख रहे, एक्चुअली मैं बैठ गया हूँ यहाँ पर और भीड़ मेरे आसपास देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे है। तो इसी गेम को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और ये एक्चुअल स्कूल है जहाँ मैं आने पढ़ा हुआ था, सनातन इंटर कॉलेज। तो मेरा ये कॉलेज रहा इंटर कॉलेज, मैंने यहीं से पढ़ा और यहीं पर वो गेम एक्चुअली होता है। तो आज दूसरी तीसरी बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो आज स्पेशली 3 से 4 बज रहा है, तो 3-4 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो 3-4 बजे हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। आप भी मेरे साथ इंटरेस्टेड हो गए देखने के लिए, तो वीडियो बने रहेगा लास्ट तक और हम लोग देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। मिस कर गया गाइस, मिस कर गया मैं एक्चुअली यहाँ पर। और वो खेलते खेलते जो उसे मंत्र लगा और वो जो सपेरा था वो सीधे भाग गया बाहर। अब उसको लोग पकड़ के लाएंगे बाहर। ये सब जो चल रहा है तो ये सब हो सकता है आपके समय से परे हो, बट हाँ ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे चीज का चलता है जो कि मंत्रों के द्वारा ये सब गेम खेला जाता है। तो ये जो मंत्र भेजते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आम पब्लिक पर क्यों नहीं लगता है, तो इसका भी जो सिद्धि किए रहते हैं गाइस वो उन्हीं पर ही ये प्रभाव लगता है, वरना किसी और पर नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स इनको एक्चुअली ये मंत्र लग गया है और जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ये लोग सो गाइस इनको भी मंत्र लग चुका है, देख रहे हैं कि एक बार इधर से हो रहा है उधर। नहीं उठ रहा गुरुजी। अब वो पीछे रह होगा तुम, अगर तुम को लग गया तो फिर खेल जाओगे तुम पीछे। सो गाइस कि आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा और कुछ डिफरेंट गेम है आपको इस बार मैंने दिखाया है, तो ये आप देखेंगे और कुछ लंबी वीडियो हो सकता है ये बन जाए। को भी मोर इससे लगा है मंत्र का जो शक्ति होता लगा और ये ऊपर जाके पेड़ पर चढ़ गए। किस तरह मंत्र का खेल चल रहा है यहाँ पर और इसी तरह चल रहा है कि अब कभी दौड़ा दे रहे फील्ड में, कभी पेड़ पर चढ़ा दे रहे हैं, कभी गिरा दे रहे हैं, तो इस टाइप का यहाँ पे खेल आप देख सकते हैं। तो गाइस उनको लग गया है और उनका रिएक्शन कैसा हो गया। देख सकते हैं इनका क्या रिएक्शन हो गया, तो ये बंदरों को जैसा हरकत करने लगे कूदने लगे तो मंत्र का प्रभाव जैसे पड़ता है तो उस हिसाब से उनकी एक्टिविटी हो जाता है। तो इस तरह से इनकी एक्टिविटी हो गई और ये भाई साहब ने इनको किया है
कि आप लोग को भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो इसी तरह मंत्र मंत्र का गेम चलता रहता है, तो आप लोग को बहुत लोग को लगेगा कि इसे आडंबर है कुछ भी है, बट हाँ ये ऐसा जो मारा जाता है, जो भी ये आपको मैंने पीछे दिखाया ना, ये जो रखा हुआ है, तो इसको जो लोग सिद्ध किए रहते हैं एक्चुअली गाइस उन्हीं को वो जाके लगता है, किसी और को नहीं लगता है ये, तो जो सपेरे वाले हैं उनको लगेगा और जो खेल रहे हैं उनके लिए। तो इस पे दो शख्स हैं एक्चुअली बैक साइड में देख सकते हैं, ये भाई साहब ये भी खेले हुए थे। और अच्छा मैं इनसे जानना चाहती हूँ, ये जो भी गेम खेलते हैं तो उसको भी सिद्ध करना पड़ता है उस गेम को? हाँ थोड़ा तो जो लोग सिद्ध किए थे बस उन्हीं को ये काम करेगा। हाँ तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, वो हम जानना चाहते हैं। तो सच्चाई ये 60 होता है। अच्छा तो इसमें आप लोग के लिए भी पूजा पाठ करके इसको सिद्ध करते हैं? दिवाली वाले दिन करते हैं। अच्छा नाम क्या पड़ेगा आपको? छोटे लाल गुप्ता। तो ये भी वो सिद्ध किए हुए हैं जो कि दीपावली वाले टाइम सिद्ध किया जाता है। ये भैया ने किया, इनका भी गेम हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा खेला इन्होंने, और साथ में ये लोग जितना लोग कर रहे हैं ये लोग सिद्ध किए हुए हैं, तभी ये गेम खोल सकता है। और इसका प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा? नहीं, किसी पर नहीं पड़ता है कोई। तो मतलब इसमें सच्चाई है इस गेम में? हाँ, ये अच्छी होता है ऐसा हल्का सा। तो फ्रेंड्स आप देख, सच्चाई है इसमें गेम में ना, सेकंड की है। तो गाइस इन्होंने बहुत सच्चाई बताया कि सच्चाई है जरूर इसके अंदर, लेकिन कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और इस समय पहले से अब कम कर दिया गया ये सब चीज़ें देखो। नहीं तो पहले ये सब कुछ ज़्यादा होता था इसके अंदर। पहले के जो खिलाड़ी जट होते थे। अच्छा जट होते थे, अब इसमें पहले से अब में देखा जा रहा है बहुत कम हो गया है, अब वो चीज़ रह नहीं गया पहले वाली बात। अब देख रहे गाइस ऐसे मंत्र के बाद ये अपने कपड़े तक भी उतार डाले, तो ऐसा ये गेम का है, अपना एक अपना अलग ही लेवल का है। और भी रोमांचिक होते जा रहा है, आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल और कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिल रहेगा आपको। और आई होप सो कि आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा, और या नहीं लग रहा हो तो जो भी होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिए क्या है, या इसके पहले कभी आपने इस टाइप का गेम देखा है या नहीं देखा है, या कभी इसके बारे में सोचा है या सुना है कुछ भी, तो कभी भी होगा तो कभी गूगल सर्च करके उसको आप जरूर देखिएगा यहाँ पर। गाइस वो एक्चुअली भाग रहे हैं, और मंत्र का ऐसा प्रकोप आप देखेंगे कि कुछ देखते किधर से आते हैं वो। जोरदार पहाड़ करा, मजा आ जाए। कल कलैया खिया हुआ था पारी, 10-12 ने कलैया खाए, कलैये देखना, वही राउंड में कलैया खाए पूरा बढ़िया से। कोई खर्चा नहीं ना, इस सबके किनारे करके कलैया खिला रहा है एक बार, एकदम खिला दो भाई। अभी आखिरी चलेगा, कलैया वाला काम होगा।
तो गाइस ये सुस्त हो गए हैं, बैठे लेट गए हैं। तुमने हमारे मुंह पे मुसाड़ दी थी, अभी कहाँ मजा आया? यहाँ पर पब्लिक खुश नहीं है, जब तक कलेजा से कलेजा ना हो। सो फ्रेंड्स इनके ऊपर भी असर किया है, तो ये अभी देख सकते हैं बिच्छू मेढक जो भी समझ लिए, तो जो असर किया हो तो वो सब से किया है। अभी इसके लिए खड़े भी हो जाएंगे। इस टाइप का मंत्रों का गेम है। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा देर हो चुका है और बस एक ही बार चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप सरसों और चावल और नींबू को यहाँ पे देख सकते हैं। बस लास्ट तो चलने वाला है और बहुत ज़्यादा डील हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लास्ट चलेगा कि उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और छोटी सी इंटरव्यू मैं इन लोग से जरूर लूँगा कि आखिर में क्या सच्चाई इस गेम का क्या क्या है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और मेरे साथ एंजॉय करिए मेरे साथ, और साथ में इनसे इंटरव्यू में भी लूँगा कि आखिर में क्या कैसे क्या होता है, तो कितनी परसेंट सच्चाई है क्या है, वो आपको लास्ट में वीडियो में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अरे हाँ यही है, यही है, यही है, इन्हीं को बोले, हाँ हाँ इन्हीं को बोले, इन्हीं को, इन्हीं को। सो फ्रेंड्स मैं जिनके बारे में बात कर रहा था एक्चुअली में वो जो कैप लगाए हुए भैया हैं, ये जो नीचे झुके हुए हैं, यही वो मेन खिलाड़ी थे जिनका मैं आपसे तारीफ कर रहा था। और इनको मैं कह दूँगा तो हो सकता है कि ये विकास दुख कार्यमात ये भी दिखाएंगे, तो हो सकता है कि इस गेम का रोचक और बढ़ जाए, इंटरेस्ट और बढ़ जाए। मैं आपको इस गेम के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ, और जो प्लेयर ये खेल रहे थे ये दोनों लोग, अब मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये खुद अपने मुंह जवानी बताएंगे कि आखिर में ये गेम कैसे होता है, क्या है इसके पीछे के रहस्य, क्या है कहानियाँ, क्या है वो सब सारा चीज़ ये भैया मुझे बताएंगे, और ये दोनों लोग मुझे एक साथ बताएंगे कि आखिर में गेम कैसे खेला जाता है और क्या है इसके पीछे की ताज़ी। मैं सर जी, मैं ये बनारस जो है मैं सनातन स्कूल से मैं बोल रहा हूँ। ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, एक जो खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, मेरा शौक है, मेरे पिताजी भी आज के बाद जो है 40 साल पहले ये भी कार्यक्रम करते थे, उन्होंने हम देखी देखा हमने भी सीखे थे कि कैसे खेलना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं सर, इसमें एक कला है, एक कला का प्रदर्शन है। मैं इसी वजह से मैं अपना घर धानापुर चंदौली से घर छोड़ करके आता हूँ और मैं इस कार्यक्रम में दिखाता हूँ सर। अच्छा, तो ऐसे साथ जैसे आप भी आए, आप भी कहाँ से आए हैं? मैं सर कानपुर जिला से आया हूँ जी। मेरा आज से काम नहीं है, मेरा आदि से काम है, मेरे बाप दादा पुरखा पीर पुरखा मेरा यही कर्म करते थे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है जो भी आप लोगों ने यहाँ पे किया ये? और मैं जो मेरे पीर पुरखा करते चले आए, मैं भी लड़ता चला आया जिंदगी से, आज से नहीं जीवन से लड़ता चला रहा हूँ। मेरे बाप दादे पुरखे पीर पुरखे मैं आज से नहीं आदि से मेरे पीर पुरखे साथ लड़ रहे हैं जी। और सरकार में भी मुझे भी मेरे गुरु ने ये शिक्षा दी कि बेटा
अगर कहीं आपको लड़ना है तो बीन लड़ोगे तो जादू से बीन आपको लड़ना पड़ेगा, और जादू से ही बीन होता है। और बीन हमें लड़ता लड़ते 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 मेरे आज 40 साल की उम्र हो गई जी, और मैं आज भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ूंगा, जब लग मैं जवान रहूंगा तब लड़ूंगा, जब लग मैं जिंदा रहूंगा तब लग मैं लड़ता रहूंगा, मतलब सदा लड़ता रहूंगा। मतलब इस संस्कृति को आप आगे, इस संस्कृति को आप आगे भी बरकरार रखेंगे, आगे की पीढ़ी भी इसको आप, हाँ हाँ, मेरी आगे भी पीढ़ी के लिए बरकरार रहेगी। आज मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे नातियों के नाती, पंती संती, ये मैं परंपरा मेरे हिसाब चली जा रही है। जी जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने गेम बहुत बढ़िया खेला भैया, ठीक है। साल भर से इंतजार करते करते फ्रेंड्स फाइनली आज वो दिन आया, और मैं इस समय अपने पुराने स्कूल में हूँ जहाँ मैं क्लास 5-6 में पढ़ा करता था। तो मैं क्लास 6 से मैं सनातन धर्म में ही पढ़ा हूँ यहीं पर, तो बहुत दिन के बाद आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, और अपने बचपन का याद भी एक्चुअली आ गया। तो इस प्रॉपर मुझे इस गेम को देखना था, क्योंकि बचपन का देखा देखा आज मुझे देखने को मिला। तो अब देखिए रहे गेम चल रहा है, थोड़ा बहुत और चलेगा, तो वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। और कुछ जो डेंजरस वाले था, जो मेरे फेवरेट प्लेयर थे, जो मैंने आज से 10 से 15 साल पहले देखा था, वो प्लेयर एक्चुअली आ चुके हैं। तो आई होप सो कि एक बार वो और गेम चले, अगर चलता है तो मैं उसको आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और बस दो मिनट और के लिए स्किप मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसा वीडियो बहुत ही कम रेयर केस पे आपको YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें YouTube पे नहीं लोग अभी तक ने डाला है, लोड किया है। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये अपने बनारस काशी में, और अभी जा रहे हैं वो प्ले करने के लिए, क्योंकि इतना देर से खड़ते करते वो भी एकदम थक गए रहते हैं। तो अभी वो एक्चुअली एग्री कर दिए हैं कि हाँ मैं एक बार लड़ूंगा, तो अब फिर वो फाइट पर चल जाने करने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, हम लोग चलते हैं आगे, और भीड़ अभी भी काफ़ी है यहाँ पर, तो अगर वो चल रहता है तो फिर हम भी चलते हैं, ठीक है, ओके। और वो गाइस की मेरे साथ आप भी इंजॉय कर रहे हो, और ऐसी वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही रियर केस में पड़ता है। तो ये फर्स्ट वीडियो ऐसे यूट्यूब पर होगा कि जो आपको देखने को मिलेगा। ये बनारस से काशी में नागपंचमी के दिन एक ही दिन मनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म स्कूल के अंदर है। तो कभी भी आप वाराणसी में अगर आना हो नागपंचमी के दिन, तो एक बार शाम को यहाँ विजिट जरूर करिएगा, अगर इसको लाइव देखना चाहते हैं तो, नहीं तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि इस वीडियो का मोटो ही यही है कि आज भी पुरानी कल्चर इतिहास को देखते हुए जा रहा है। इतना टाइम से जिस प्लेयर का मैं वेट कर रहा था वो एक्चुअली मैदान में आ गया, तो एक शॉर्ट्स में उनका भी दिखाऊंगा, और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये लास्ट एक बन रहा है, और वीडियो को जल्द से जल्द मैं भी ख़त्म करूँगा। भैया एक मिनट इधर आ जाओ, ये कुछ ऐसी प्रक्रिया होता है फ्रेंड्स, तो इनको करना होता है। तो किसी चीज़ को फील्ड में उतरने से पहले इस प्रक्रिया को करना पड़ता है, वही प्रक्रिया ये प्लेयर कर रहे हैं, और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जो कि फील्ड में लड़ने के लिए। अब असली मऊवर का आपको मज़ा आएगा इसमें। तो ये एक खाली इज्जत का सवाल है, तो गाइस मैं तो बहुत पावरफुल समझ रहा हूँ कि इनका काम नहीं चल पा रहा है, तो अभी देखते हैं कि हरिया भाई
सो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अब घर, ऑलरेडी हो गया बहुत डिले, और वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो तो पता ही क्या करना है, लाइक कर देना है और इसी तरह भाई को सपोर्ट कर देना है, और फिर मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय और हर हर महादेव।